श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं चिराग दारूवाला और मैं आज आप सबके सामने वापिस से पेश हुआ हूं वीकली शो लेकर, जिसका नाम है धनवाणी। इस शो में हम बात करेंगे कि आप जीवन में आगे कैसे बढ़ें, पैसा कैसे कमाएं और साथ साथ में तरक्की के मार्ग पर कैसे जाएं। ये एक वीकली शो है और मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप हमारे साथ हर शनिवार को सुबह जुड़िए, आपको जरूर से कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि यह सप्ताह यानी कि 26 फरवरी से 4 मार्च 2023 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, यह सप्ताह मजबूताई वाला सप्ताह है, यह सप्ताह बोल्ड डिसीशंस लेने वाला सप्ताह है। यस, आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी टारगेट्स हैं, जो जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए। ईश्वरीय सहायता आपको मिलेगी। आप यह समझ लीजिए कि 100 में से अभी तक आपको मिलते थे 30%, 40%, यह सप्ताह आपको मिलेगा 85%। यह सप्ताह बहुत बेहतरीन है। खाली आपको सेहत का ध्यान रखना है। हड्डियों की तकलीफ, बोन्स रिलेटेड तकलीफें हो सकती है, पर सावधान रहेंगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वृषभ राशि पे गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों, यह सप्ताह स्टेबिलिटी वाला सप्ताह है। आपने उतार चढ़ाव जीवन में बहुत देखे, अब क्या करना है, अब आपको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले स्टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टेबल होते हैं, बैलेंसिंग करते हैं प्रॉपर, तो आप समझ लीजिए धीरे धीरे आप ग्रो कर पाएंगे। यस, हर एक चीज़ को आपको बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना होगा। जो लोग बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपांशन चाहते हैं, यह सप्ताह बेहतरीन है। आपका अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। यह सप्ताह आप यह समझ लीजिए कम्युनिकेशन वाला भी सप्ताह है। आपके कोई मन मुटाव चल रहा है पार्टनर के साथ, आपके लीगल केस चल रहे हैं, पुलिस केस चल रहे हैं, तो शायद वो आपके फेवर में आ सकता है। बातचीत के द्वारा समाधान हो सकता है, यानी कि वृषभ राशि वालों, सप्ताह बेहतरीन जाएगा। मिथुन राशि, गणेश जी कहते हैं कि मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह आपका सपना साकार होने वाला है। आपका सपना क्या था? आपका सपना था खुद का घर खरीदने का, ऑफिस बनाने की, प्रॉपर्टी बनाने की, जमीन खरीदने की। तो जो जो आपके सपने थे उसे आप साकार कर सकते हैं। व्हीकल लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो यह सप्ताह आप खुद का व्हीकल ले सकते हैं। शुक्र आपकी राशि में होने के कारण आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, समाज में आपका मान सम्मान और भी बढ़ेगा। यानी कि आप यह समझ लीजिए कि खुशियाँ आपके द्वार पर आएगी, सप्ताह बहुत बेहतरीन रहेगा। कर्क राशि, गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपको थोड़ा सावधान रहना है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मत करिए, कोई भी प्रकार का पैसों का लेन देन नहीं करना है। बिजनेस को बढ़ा रहे थे, रुक जाइए, एक्सपेंशन के लिए रुक जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंटली, कोई इम्पोर्टेंट डिसीशंस लेना चाहते हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपको वेट करना होगा। यह सप्ताह लिया हुआ डिसीशन गलत साबित हो सकता है, नुकसान हो सकता है, संबंध बिगड़ सकते हैं। आपको मन को शांत रखना है, शिवजी भगवान की आराधना करनी है और खाली फ्लो के साथ चलते रहना है। कोई भी प्रकार का कार्य आपको यह सप्ताह नहीं करना है, शांति से आपको यह सप्ताह बिताना है। सिंह राशि, गणेश जी कहते हैं सिंह राशि वालों, आप लोग यह सप्ताह लीडर बन के चलेंगे, यानी कि लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे। अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़े हैं, आप लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप पोजीशन पे जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही थी, तो वो रुकावटें यह सप्ताह दूर होंगी। आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे और साथ साथ में
आपका जो रिलेशनशिप है पार्टनर के साथ, जो मनमुटाव चल रहा था वो मनमुटाव दूर होगा, रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। जो लोग चाइल्ड बर्थ का प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। कन्या राशि, गणेश जी कहते हैं कि कन्या राशि वालों, आप लोग कौन हैं, आप लोग एक्सपर्टाइज किस चीज़ में है, आपकी एक्सपर्टाइज ब्यूटी सेक्टर में है। जो लोग भी ब्यूटी फील्ड के साथ जुड़े हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या फिर जो लोग व्यापार कर रहे हैं लोखंड का, तांबे का, पीतल का, यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। नए क्लाइंट्स, नए ऑर्डर्स, नए डील्स आपको मिलेंगी, कुछ डिसीशन आपके फेवर में आएंगे, आपके सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिलेगा। यह सप्ताह आप यह समझ लीजिए ईश्वरीय सहायता आपको मिलने वाली है, यानी कि जो पास्ट में आपने मेहनत की है उसका परिणाम आपको यह सप्ताह देखने को मिलेगा। तुला राशि, गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। यह सप्ताह किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ देगा। जो लोग शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं थोड़ा सा रुक जाइए, अभी लिया हुआ फैसला गलत साबित हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और तीसरा, आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है, एक्साइटेड नहीं हो जाना है, नॉर्मल रहिए, शांति से बातचीत करके कोई भी मसला हो, कोई भी समस्या हो, उसका हल निकालिए। आपके घर पे जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का आपको खास ध्यान रखना है, सेफ्टी हेल्थ प्रिकॉशंस आपको थोड़े लेने होंगे। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत मज़ा आएगा। वृश्चिक राशि, गणेश जी कहते हैं वृश्चिक राशि वालों, आप यह समझ लीजिए आपको विदेश से लेना लिखा है, एक्सपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े हैं, इंपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े हैं, या तो फिर जो लोग विदेश जाकर कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। आप यह समझ लीजिए वो अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में बहुत बदलाव लेकर आने वाली है। स्टूडेंट्स अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, यह सप्ताह बेहतरीन है। वो हर एक चीज़ करिए जो आपने सोच के रखी है और कहीं ना कहीं आपको उसमें मुनाफा, कुछ अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। धनु राशि, गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि वालों, लीगल डिस्प्यूट्स फिनिश होंगे, पैतृक संपत्ति का निकाल आएगा, साथ साथ में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो परिवर्तन का यह सप्ताह है, बदलाव का यह सप्ताह है। आपको क्या करना है, विष्णु भगवान की आराधना करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आपको जाप करना है। आप ये देखिएगा कि आपके जीवन में कितना बदलाव आपको देखने को मिलता है। मकर राशि, गणेश जी कहते हैं कि मकर राशि वालों, यह सप्ताह आप बहुत व्यस्त रहेंगे, अलग अलग लोगों को मिलेंगे, नए लोगों के संपर्क में आएंगे और साथ साथ में आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज आपका दरवाज़ा खटखटाएंगी, यानी कि व्यापार, एक व्यापार से दूसरा व्यापार शुरू करना चाहते हैं करिए, और दो व्यापार शुरू करना चाहते हैं करिए, भागीदारी में आपको लाभ होगा। आपको किसी से कोई भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बस कार्य आपको करते रहना है। साथ साथ में आप अगर पॉलिटिकली जुड़े हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ मिल सकता है, खाली आपको ये सोचना है कि कौन इंसान आपको मदद कर सकता है। मकर राशि वालों, सप्ताह बहुत बेहतरीन है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि शनि जो वक्री हुआ है कुंभ राशि में, उसके बाद आपके जीवन में और प्रभाव आया है और आप यह समझ लीजिए कि आप अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। कुंभ राशि, गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों, कहीं ना कहीं आपके साथ दगा हो सकता है, लोग आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, आपके खिलाफ बोल सकते हैं, पर आपको शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है,
साथ साथ में आप यह सोच लीजिए कुंभ राशि वाले, यह सप्ताह क्या चीज़ का सप्ताह है? यह सप्ताह फाइनेंस का सप्ताह है। आप जो भी कार्य के साथ जुड़े हैं, आप ये समझ लीजिए कि प्रमोशन हो सकता है, व्यापार को बढ़ा सकते हैं, नए टेंडर्स, नए प्रोजेक्ट्स, नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, और इम्पोर्टेंटली अटका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। पास्ट का जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिल सकते हैं। कुंभ राशि वालों, सप्ताह बहुत अच्छा है। गुरुवार के दिन साईं बाबा की आराधना करिए, पीली वस्तुओं का दान करें, जरूर से आपको लाभ होगा। अब हम आएंगे लास्ट राशि यानी कि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मीन राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि जीवन में आपने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, पर यह सप्ताह आपको दौड़ना है। यस, सूर्य की वजह से आपके जीवन में चमक आएगी, आप खुद को प्रूव कर पाएंगे, लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। मार्केटिंग सेक्टर के साथ जुड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में कुछ अच्छे डिसीशंस आएंगे। साथ साथ में अगर आपने किसी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है, कोई बड़ी पोजीशन पे जाना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो उसके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। आपको खाली मायूस नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और धीरे धीरे कार्य करना है। आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। अब हम आएंगे कंक्लूजन पे कि ऐसा सभी लोग क्या कर सकते हैं कि जिससे उनके जीवन में बदलाव आए, तो हम उसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन सुबह और शाम आपको हनुमान जी की आराधना करनी है और ओम हनुमंताय राम दुताय नमः का जाप करना है। आगे एक लोटा रख देना है, उसके ऊपर एक नारियल रख देना है, लोटे में पानी रख देना है और उसको लाल कपड़े से आपको ढक देना है। ये 202 बार सुबह, 202 बार शाम को और रात को जाकर 11:45 से 12 बजे के बीच कर चौराहे पे आपको ये रख देना है। जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, जो तकलीफें हैं, जो अड़चने हैं, वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी, और अड़चने दूर होती है तो क्या होता है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आप हमारे सजेशन ज़रूर से फॉलो करेंगे। हम नेक्स्ट सैटरडे को वापस सुबह इसी समय मिलेंगे। तब तक आप सब सुखी रहिए और समृद्ध रहिए। श्री गणेशाय नमः।